मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर 22 घंटों से एमपीपीएससी के छात्र अपनी 3 मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। रात भर से चल रहे प्रदर्शन के दौरान किसी भी अधिकारी ने छात्रों से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। लिखित आश्वासन की मांग को लेकर छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर एमपीपीएससी के छात्र सोमवार दोपहर से धरने पर बैठे हुए हैं, जिनकी मुख्य 3 मांगे हैं। आरक्षण को लेकर 13% को रोके गए रिजल्ट को जारी करना, 2023 मेंस परीक्षा का समय 1 माह बढ़ाया जाए और 2024 में पदों की संख्या 60 से बढ़ाकर 110 की गई है, उसे बढ़ाकर 500 किया जाए। इन मांगों को लेकर छात्रों के द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसका लिखित में आश्वासन की वे मांग कर रहे हैं। यह आंदोलन आयोग की जो मंशा है उसके अनुसार तो लग रहा है अनिश्चितकालीन चलने वाला है, तो हमको एक व्यवस्थित तौर पर आंदोलन करना है, इसलिए कुछ लोग वापस से आ रहे हैं। हमने अपने लाइब्रेरियों के जो संचालक हैं उनसे आह्वान किया है कि हम लोगों को सहयोग करें और लाइब्रेरियों को बंद करके यहाँ पर एक सहयोगियों को आने का मौका दें। और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, पहली मांग तो हमारी यह है कि 18 जनवरी को आप प्रीलिम्स का रिजल्ट देते हैं और 11 मार्च से पेपर होता है, उसके लिए हमें सिर्फ 45 से 50 दिन का समय मिलता है। दूसरी हमारी मांग यह है कि 2024 में जो इन्होंने 60 पद पर वैकेंसी निकाली थी, जिसमें 50 पर पद एडिशन करके 110 पद किए गए हैं, उसको बढ़ा कम से कम 500 पद किया जाना चाहिए। तीसरी हमारी प्रमुख मांग यह है कि मध्य प्रदेश सरकार जो 87-13% आरक्षण का मुद्दा बनाकर इसको 5 साल से अटकाए हुए हैं, उसको जल्दी सॉल्व किया जाए। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अभी हाल ही में 2019-20 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। मेरा उनसे कहना है कि नियुक्ति पत्र देते हुए आपने यह नहीं सोचा कि हम सिर्फ 87% बच्चों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, बाकी 13% बच्चों का क्या? सर, हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, हमारी पहली मांग है कि 2023 की मुख्य परीक्षा में हमें कम से कम 90 दिन का समय दिया जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत विस्तृत है, तैयारी करने में हमें कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है और बच्चे मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित हो रहे इसके कारण। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि 2024 में जो उन्होंने वैकेंसी निकाली है, सिर्फ 60 निकाली थी, अभी बढ़ा के 110 किया है, लेकिन बेरोजगारों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि ऊँट के मुंह में जीरा देने का काम कर रहे हैं लोग, तो कम से कम 500 पद होने चाहिए। दूसरी मांग है, तीसरी मांग है, 2019 का जो 13% वाला रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया, तो वो भी जारी किया जाए और हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से कानूनी रूप में ये आयोजन धरने का कर रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से किसी भी प्रकार का लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, जिसको लेकर छात्र एमपीपीएससी मुख्यालय के बाहर 22 घंटे से ज्यादा समय से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही है।